हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। हेलो, नमस्ते दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आप सभी का? दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर आप इस लड़के का वीडियो खूब देख रहे होंगे। चाहे आप इंस्टाग्राम ओपन करो या फेसबुक या फिर यूट्यूब, ये लड़का हर जगह आपको दिख जाएगा। कभी इसका हाथ पुलिस पकड़ के ले जा रही होती है तो कभी इसे गाड़ी में बैठा कर, कभी कभी इसे कोर्ट में देखा जाता है तो कभी इसे जेल में। तो आखिर कौन है ये वायरल लड़का जो इतने छोटी उम्र में इतना बड़ा नाम कमा लिया कि सोशल मीडिया से लेकर रियल लाइफ में इसके लाखों में फैन फॉलोअर्स है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज इसके बारे में हम वो सच बताएंगे जिससे आप में से 99% लोग नहीं जानते कि आखिर कैसे लड़का इतना घटिया सोच के साथ इतना नीचे गिर सकता है। चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। समुंदर की तरह है हमारी पहचान, कि समुंदर की तरह है हमारी पहचान, ऊपर से खामोश और अंदर से तूफान। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दे कि सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो रियल लाइफ में होता नहीं है। कई लोगों का मानना है कि इसके बहन के साथ 2015 में किसी लड़के ने गलत काम करके उसे मार दिया था, जिसका बदला ये उस लड़के से लिया है, जिस वजह से इतना फेमस हो रहा है और आज के टाइम में जेल में है। लेकिन आपको बता दूं कि ये न्यूज 110% फेक और झूठ है। तो आखिर सच क्या है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल ये सोशल मीडिया पर अद्दू डिफॉल्टर के नाम से फेमस हो रहा है और ये दिल्ली के वेलकम नगर इलाके का रहने वाला है। ना ये लड़का रक्षक है, ना ही मसीहा और ना ही सहिंसा, ये है तो एक चोर, लुटेरा और बहुत ही बड़ा नशेड़ी। दरअसल हुआ ये था कि 21 नवंबर 2023 के रात वेलकम नगर का ही रहने वाला 17 साल के यूसुफ नाम का ये शख्स रात को 11 बजे अपने घर को लौट रहा था, जिसके बाद इस 16 साल के लड़के ने यूसुफ को गली में रोकता है और उससे पैसे मांगने लग जाता है। अब बात यहाँ पे ये आता है कि आखिर ये लड़का यूसुफ से पैसे क्यों मांगता है। तो आपको बता दे कि ये लड़का बहुत ही बड़ा नशेड़ी और लुटेरा है और ये आते जाते लोगों को रात में ऐसे ही पकड़ पकड़ कर उसे लूटता है। तो हुआ ये था कि यूसुफ इस लड़के को पैसे देने से मना करता है, जिसके बाद अद्दू नाम का ये लड़का उसे जान से मारने के लिए चाकू निकालता है और उस पे वार करने लग जाता है। बता दे कि ये लड़का यूसुफ के बॉडी पर 60 से भी ज्यादा बार चाकुओं से वार करता है और उसका जान ले लेता है। इसके क्राइम का सीसीटीवी वीडियो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। उसका जान लेने के बाद ये लड़का उसके बॉडी के सामने नाचता भी है। तभी वहां पे आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन ये सबको जान से मारने का धमकी देने लगता है और ये वहां से भाग जाता है। जिसके बाद इस घटना के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म की जाती है और पुलिस जब इस केस पर एक्शन लेती है तो पता चलता है कि ये लड़का महज 350 रुपए लूटने के लिए यूसुफ का जान ले लेता है। साथ ही यह भी पता चलता है कि उस रात काफी ज्यादा नशे में था, जिसके बाद अद्दू नाम के इस लड़के पर एक्शन लिया जाता है और इसे बाल गृह में सुधार के लिए भेज दिया जाता है। रात के 11:15 बजे की इंसिडेंट है। इंफॉर्मेशन आ गई थी, पीसीआर कॉल नहीं थी, इंफॉर्मेशन आ गई थी थाने में कि लड़के को चाकू लगे हैं। तो तुरंत SHO, एडिशनल SHO, हमारी पूरी जो टीम है वेलकम थाने की, इसमें तुरंत जुट गई और जो इंजर्ड था उसको तो हॉस्पिटल ले गए, वहाँ वो ब्रॉड डेड हो गया था, काफ़ी उसको चाकू लगे। और जो एक्यूज है उसकी खोज की गई, CCTV वगैरह भी चेक किए गए और एक्यूज को पकड़ लिया। 16 साल का लड़का है, यंग लड़का है और चाकू जो यूज किया था वो भी बरामद हो गया उससे। तो उससे मैंने कुछ बात किया था तो मोटिव इसमें रॉबरी था, तो वो कुछ पैसे छीनने की कोशिश कर रहा था। जब विक्टिम ने रेजिस्ट किया तो पहले उसको चोक किया, फिर बाद में चाकू मार दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके अलावा इस लड़के ने पहले भी एक व्यक्ति के मौत का घाट उतार चुका है, जिसके लिए इसे कुछ दिन के लिए बाल सुधार गृह में रखा गया था और निकलने के बाद इस घटना का अंजाम दिया, जिसके बाद अब ये फिर से जेल में कैद है।
इसके अलावा इस पर हत्या, लूटपाट, रंगदारी और धमकी के दर्जनों आपराधिक मामले भी दर्ज है। आज ये लड़का सोशल मीडिया पर यंग लड़कों का मसीहा बना घूम रहा है और इसके गैंग में हजारों लड़के शामिल होने के लिए तैयार है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर इतना पोस्ट किया जा रहा है कि आप जहां भी जाएंगे वहां आपको इसका वीडियो दिख जाएगा। इसके नाम से इंस्टाग्राम पर सैकड़ों अकाउंट भी बने हुए हैं, जिस पर इसके फोटो और वीडियो को अपलोड किया जा रहा है। लोग भ्रम में जीकर इस लड़के को बोल रहे हैं कि भाई हो तो ऐसा हो जिसने अपने बहन का बदला लेकर काफी खुश है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके चेहरे का मुस्कान ये बताता है कि सनकी पागल और बहुत ही बड़ा अपराधी है। बताओ, बेगुनाह यूसुफ के परिवार में एक माँ और दो बहन है। पापा का देहांत काफी पहले हो गया था और ये अपने घर का रखवाला अकेला था, जिसे इस लड़के ने मार दिया। उस माँ पे क्या बीत रही होगी जिसे देखने वाला अब इस दुनिया में कोई नहीं है। खैर, वैसे आप इस लड़के के बारे में क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, तो अपना राय जरूर बताइएगा। अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वक्त का इंतजार करो जनाब, वादा है आपसे बेहतर और शानदार नजारा।